Yes. Cheer up now. This is a time to announce the result of JEE Mains 2023. So this may be the energy which we want from you guys. Starting from, we have 10 students who secured more than 99% I would say. ये है इंडिया का सबसे बड़ा रेसिडेंशियल CBSE स्कूल मैक्रो विजन अकेडमी मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर में, और यहाँ दिन की शुरुआत कुछ ऐसे होती है। और क्योंकि ये एक रेसिडेंशियल स्कूल है, इसलिए सुबह की शुरुआत होती है नाश्ते से, और नाश्ता होता है स्कूल की मेस में, जिसका नाम है स्वाद संसद। ये स्वाद संसद नाम मेरे श्रद्धेय चाचा जी स्वर्गीय जयप्रकाश जी चौकसे ने रखा था। हम एक बार बैठे थे कि भाई ये जहाँ बच्चे खाना खाते हैं इसका क्या नामकरण होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि स्वाद संसद सबसे अच्छा है, और वो अपने नाम के अनुरूप ही जगह है और वैसा ही उसका काम है। स्वाद संसद आर किचन एंड द डाइनिंग हॉल फॉर मैक्रोविजन अकेडमी। वी सर्व मोर देन 10,000 मील्स अ डे। 10,000 मील्स हम दिन भर में सर्व करते हैं, उसमें मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, शाम का रिफ्रेशमेंट, मॉर्निंग लंच, शाम का डिनर। तो ये मिला के बच्चों का, स्टाफ का, हॉस्पिटल का, हमारी शहर में स्कूल है वहाँ भी यहीं से ही खाना जाता है, तो एक बहुत ही प्यार भरा एस्पेक्ट है वो इस हमारे कैंपस का। यूं तो नाश्ते की शुरुआत होती है सुबह की चाय से, लेकिन स्वाद संसद में खाना बनने की असली तैयारी एक रात पहले ही शुरू हो जाती है, जहाँ पर सब्जियों को लाया जाता है, उन्हें धोया जाता है और उनकी कटिंग की जाती है। सो क्वालिटी इज समथिंग विच इज वेरी इंटीग्रल टू आर सिस्टम। बहुत ही हम पैशनेटली क्वालिटी मैनेज करके, सजेशंस लेते हुए, सर्विस सुधारते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आ जाता है कि भाई जो आप सब्जियां खरीद रहे हैं, तो हम कोशिश करते हैं हम कम से कम सब्जियां खरीदें, ज़्यादा से ज़्यादा हम सब्जियां हमारे फार्म्स पे ऑर्गेनिकली ग्रो करें। सब्जियां पकाने से पहले सारी सब्जियों को अच्छे से धोया और काटा जाता है। इसके साथ ही साथ अगले दिन बनने वाले भोजन की तैयारी भी आज ही कर ली जाती है, जैसे कि इडली का बैटर और जलेबी का बैटर। कल यहां बनने वाली है दाल बाटी, जिसके लिए लगेगा 380 किलो आटा। आटे में तेल और मसाले मिलाए जाते हैं ताकि बाटी बनने के बाद नरम बनी रहे और स्वादिष्ट लगे।
इतने सारे आटे और तेल को मिक्स करना एक आदमी के बस की बात नहीं है, इसलिए ये काम टीम में किया जाता है। That is like the rank you are guessing? No, no, no. Marks. Okay. Rank, I don't know. No one knows. Okay. And what do you think? How many students are going to get core IIT, like the old IITs? Minimum 15 students will get core IIT. Oh, wow. That's really cool. And then the student followed by them. ये थे मिस्टर विजय सुखवानी, मैक्रोविजन एकेडमी के सिस्टम एनालिस्ट और आईआईटी विंग के हेड, जो बता रहे थे कि इस साल कितने बच्चों का सिलेक्शन आईआईटी में होने वाला है। मायसेल्फ शाश्वत पटेल एंड आई एम फ्रॉम नरसिंहपुर नियर जबलपुर। अर्लियर माय सिस्टर वाज इन दिस स्कूल एंड शी हैड अ गुड रिजल्ट इन हर एडवांस्ड एग्जाम। मेरा नाम ईशान सिन्हा है और मैं पिपलिया बुजुर्ग से आया। मैक्रोविजन एकेडमी मैंने इसलिए ज्वाइन करा क्योंकि मुझे एक अच्छे मुकाम पर पहुंचना था, अपना करियर वेल स्टेब्लिश करना था। मैक्रोविजन एकेडमी इसलिए चूज़ किया क्योंकि ये क्लास 11th और 12th के साथ JEE नीट की प्रिपरेशन भी कराता है और यहाँ पे सेल्फ स्टडी का माहौल बहुत अच्छा है और मतलब डिस्ट्रैक्शंस नहीं है। मेरे पापा पॉलिटिशियन है और बिजनेस मैन है। मैं अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट का हूँ और मेरी मॉम हाउस वाइफ है। मतलब अगर कुछ गलत है पापा के ज़्यादा करीब हूँ, अगर कुछ सही है तो मॉम के ज़्यादा करीब हूँ। मॉम ज़रा ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, पापा कैजुअल हैं, तो वो संभाल लेते हैं चीज़ों को। चाय हमारा दो टाइम बनती है, सुबह में 200 लीटर दूध की चाय बनाते हैं हॉस्टल में भेजने के लिए, बच्चों के लिए हॉस्टल में चाय भेज देते सुबह, और शाम में बनती है 180 लीटर की। तो सुबह के लिए हमें 20 किलो शक्कर और 3.5 किलो चाय पत्ती के आसपास लगता है। आज नाश्ते में हम इडली सांभर बनाएंगे। 140 किलो के आसपास की इडली बनाते हैं, 50 किलो का सांभर बनाते हैं। 2128 बच्चे यहाँ ब्रेकफास्ट करेंगे और 1044 बच्चे हमारा एक सेक्शन है डिवाइन, वहाँ नाश्ता करेंगे। तो दोनों जगह का हमारा 140 किलो की इडली और 50 किलो के सांभर में हमारा दोनों जगह का कवर अप हो जाता है। मैक्रोविजन एकेडमी जब 2001 से फंक्शन में आया, उस समय तक बुरहानपुर शहर में कोई भी स्कूल या कॉलेज बच्चों को खाना नहीं देता था। चूंकि ये डे बोर्डिंग का स्कूल था उस ज़माने में, तो बच्चा 6 से 8 घंटे घर से दूर रहता था। तो हमने शुरुआत से ही ये सोचा कि हम बच्चा जो घर से बंद डब्बे में, प्लास्टिक के डब्बे में खाना लाएगा और खाएगा, वो उसके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। इसलिए हमने गर्म और ताज़ा स्वादिष्ट भोजन देने की पहल की और स्वाद संसद का निर्माण किया था। और ये 10,000 मील्स सर्व करने वाला एकमात्र किचन है इस रीजन में, आसपास 200 किलोमीटर में, जो FSSAI एक्रेडिटेड है। The food is very nice and also there are a lot of varieties that we can experience here. Khana healthy hai aur hamari tabiyat achhi rehti hai, usse ye to hai. Jahan swasth sansad mein breakfast ke baad lunch ki taiyari chalu ho jati hai, wahin udan wing mein IIT और नीट के लेक्चर्स शुरू हो जाते हैं। मैक्रोविजन एकेडमी की खास बात है यहाँ का स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट। तो
जेई मतलब ऐसा अगर देखे कि भाई हाँ बहुत सारे कितने लाखों बच्चे देते हैं उसमें से कितने कम को सीट मिलती है तो सोच के तो स्ट्रेसफुल लगता है, पर जब पढ़ना चालू करते हैं और जब टीचर्स का सपोर्ट रहता है पढ़ते टाइम तो मतलब पढ़ने पढ़ने में साल निकल जाते हैं, पता कुछ खास चलता नहीं है। अंडर प्रेशर माइट नॉट बी द राइट वर्ड बट नॉर्मल प्रेशर इज रिक्वायर्ड फॉर प्रिपरेशन बिकॉज इफ इट इज नॉट देयर देन यू विल नॉट बी एबल टू डू योर बेस्ट। सो या नॉट अंडर प्रेशर बट या नहीं, एनवायरनमेंट बहुत सही है, यहाँ प्रेशर का पता नहीं चलता है, काम बहुत बढ़िया से चलता है तो प्रेशर तो फील नहीं होता है, लेकिन हाँ ज़रा सा रहता है। जहाँ उड़ान विंग में एक तरफ आईआईटी और नीट की क्लासेस चल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य संसद में लंच की तैयारी भी जोरों शोरों से चल रही है। लंच में सर हम आज दाल बाटी बनाएंगे, बाटी का तकरीबन हम 380 किलो से के आसपास बनाते हैं, आटा लगता है 380 किलो का हमें और 115 किलो की दाल बनती है सर, 180 किलो राइस लग जाता है हमें, समथिंग 390 से 400 किलो बनती है हमारी। स्वास्थ्य संसद में खाने की क्वांटिटी ही नहीं क्वालिटी पे भी पूरा ध्यान रखा जाता है। और खाना एक तरफ है, दैट इज आवर कल्चर, दैट इज समथिंग वी लव, दैट इज समथिंग वी चेरिश, तो वो बहुत ही एक दिल के पास वाला आइटम है, तो उसमें हम लोग कोई भी टाइप का कॉम्प्रोमाइज कहीं भी नहीं करते। खाना खिलाना हो, खाना बनाना हो, रॉ मटेरियल हो, कहीं भी कोई भी टाइप का कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। बाटी बनाने के लिए सबसे पहले बाटियों को उबलते हुए पानी में डाला जाता है और उसके बाद उन्हें कट करके तेल में तला जाता है। स्वाद संसद में स्वाद के साथ साथ समय का भी खासा ख्याल रखा जाता है। जहां एक तरफ स्वाद संसद में बन रही है दाल बाटी और सब्जी, वहीं दूसरी तरफ उड़ान विंग में चल रहे हैं आईआईटी और नीट के लेक्चर्स। स्वाद संसद के शेफ मिस्टर नवीन कई सालों से खाना बना रहे हैं, इसलिए उन्हें मसालों का अंदाजा बहुत अच्छा है।
गर्मा गर्म खाने को कंटेनर्स में डाला जाता है ताकि मेस एरिया में उसे आसानी से सर्व किया जा सके। खाना बनने के बाद खाने की टेस्टिंग करना एक बहुत ही क्रूशियल टास्क है। तो मॉर्निंग में लंच की टेस्टिंग तीन लोग करते हैं, उसमें एक डॉक्टर होते हैं, एक डाइटिशियन होते हैं और एक हमारे एकेडमिक इंचार्ज होते हैं। ऐसा ही शाम में भी सिस्टम है। स्वाद संसद में खाना सर्व करने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, बस बच्चों के आने का इंतजार है। फिर हमने कोशिश की है कि जो मुखबधिर बच्चे होते हैं, जो बोल भी नहीं पाते, सुन भी नहीं पाते, उनको रोजगार मिलना बहुत मुश्किल है। तो हमारे यहाँ पे जो सर्व करने वाले कुछ बच्चे हैं वो यहाँ पे आसपास गांव के, कुछ शहर के हैं, और वो बोल भी नहीं पाते, सुन भी नहीं पाते, तो वो बच्चों को खाना सर्व कर लेते हैं। अब खाना सर्व कैसे करें? तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक बंदा दाल सर्व कर रहा है, तो हमने दाल का वहाँ पे नंबरिंग किया हुआ है कि भाई 3 मीन्स दाल। तो बच्चे वहाँ से इशारा कर देते हैं और ये भाई जाके सर्व कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा जो स्वाद संसद है उसमें आवाज़ बहुत कम हो जाती है, क्योंकि 1400 बच्चे जब साथ में बैठ के भोजन करते हैं तो बहुत ज़्यादा नॉइस होने के चांसेस होते हैं, और नॉइस होता है तो खाने का वो मज़ा किरकिरा हो जाता है। तो उसके लिए हमने वहाँ पे म्यूज़िक सिस्टम लगाया हुआ है, जहाँ पे माइल्ड म्यूज़िक बजता रहता है और बच्चे बहुत ही शालीनता से भरपेट भोजन इंजॉय करते हैं। माइक्रोविजन एकेडमी में त्यौहार बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किए जाते हैं और होली उन्हीं में से एक है। होली के दिन माइक्रोविजन एकेडमी में आता है पानी का एक बहुत बड़ा टैंकर और उसके साथ बजते हैं डीजे पे गाने और बच्चे रेन डांस को एंजॉय करते हैं और होली को सेलिब्रेट करते हैं। Yeah, it was nice, but without colors, it was just like that. But yeah. माइक्रोविजन एकेडमी में वैसे तो बच्चों को मोबाइल से दूर रखा जाता है, लेकिन हर संडे बच्चों को मिलता है उनका फेवरेट कॉलिंग टाइम पूरे एक घंटे का, जिसमें वो अपने परिवारजनों से बहुत सारी बातें कर सकते हैं। Yes, I miss my family.
बिकॉज वी आर ऑब्वियसली इन अ बोर्डिंग स्कूल सो या हाँ कभी कभार आती है, मतलब कभी थोड़ा सा स्ट्रेस ज़्यादा हो जाए, मतलब कभी पेपर बिगड़ गए, मॉक टेस्ट ही बिगड़ गए, तो तब एक ही चीज़ है, फैमिली याद आती है और खुशी में बहुत ज़्यादा फैमिली याद आती है। माइक्रोविजन एकेडमी में खाने के साथ साथ सफाई का भी बहुत ध्यान रखा जाता है और इसीलिए यहाँ पर है एक बहुत ही हाईटेक डिश वॉशिंग मशीन। ऑलमोस्ट 1500 प्लेटें हर घंटे धुल जाती है, प्लेट स्टेरिलाइज होके गर्म होके निकलती है, तो वो एकदम 5-स्टार होटलों में जो मशीनें यूज होती है उसका एकदम लेटेस्ट वर्जन हम यहाँ यूज कर रहे हैं। दस हजार मील्स सर्व करने वाला एकमात्र किचन है इस रीजन में आसपास 200 किलोमीटर में जो FSSAI एक्रेडिटेड है। उसका एक पूरा इंस्पेक्शन होता है, उसमें बहुत सारे नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होता है और उसमें बहुत सारे क्वालिटी पैरामीटर्स होते हैं, तो वो क्वालिटी पैरामीटर्स हम 95-97% तक फॉलो कर रहे हैं, वो 80% पे सर्टिफिकेट दे देते हैं। सो वी आर डूइंग वे बेटर व्हेन इट कम्स टू फूड इन दिस कैंपस। स्वाद संसद के किचन को रोज गर्म पानी और क्लीनिंग एजेंट से क्लीन किया जाता है ताकि अंदर की साफ सफाई बरकरार रहे। माइक्रोविजन एकेडमी एक एप्पल डिस्टिंग्विश्ड स्कूल है और इसकी iMac लैब पूरे वर्ल्ड में फेमस है और ये iMac लैब उन बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है जो IIT और NEET जैसी एग्जाम्स देते हैं जो कि CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट कराते हैं। While preparing for IIT JEE, it's basically CBT mode, both mains and advanced. So yeah, when we are preparing for mains and advanced, then obviously Macrovision Academy has an extra edge over the others because we can directly prepare for CBT mode. बहुत ज़्यादा help हो जाती है। पहले तो ये Mac के कारण हमें paper practice जो हमारा है वो CBT ही होता है, mains भी advanced भी, तो हम लोग की practice हो जाती है। और iPad तो है ही बहुत ज़्यादा useful। इतनी हैवी बुक, वैसे भी बहुत सारी बुक की ज़रूरत पड़ती है और बहुत मटेरियल लगता है प्रिपरेशन में, तो उस पर हमको एक आईपैड में सब कुछ आ जाता है, तो बहुत बढ़िया एडवांटेज है मेरे हिसाब से तो इस स्कूल का टेक्नोलॉजी, और उसके कारण रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आता है। IIT में जाना है क्योंकि बेस्ट चाहिए, सबको ही बेस्ट चाहिए होता है, IIT इज़ द बेस्ट, तो मुझे बेस्ट करना है और ख़ुद को प्रूव भी करना है। शाम के नाश्ते में सर आज हम बच्चों को जलेबी खिलाएंगे और फाफड़ा। जलेबी 40 किलो मैदे की जलेबी बनाते हैं हम लोग और 50 किलो का फाफड़ा, क्योंकि उसमें डे बॉर्डर जो रहते हैं शाम के रिफ्रेशमेंट में वो नहीं होते, केवल जो हॉस्टलर बच्चे हैं हमारे पास उन्हीं का होता है, इसलिए रिफ्रेशमेंट में थोड़ा सा कम बनाते हैं। स्कूल टाइम ओवर होने के बाद बच्चे आराम करने के लिए अपने हॉस्टल्स में जाते हैं और दोपहर में आराम करने के बाद वो शाम के वक्त फिर से स्कूल में आते हैं इवनिंग स्टडीज के लिए। और इवनिंग स्टडीज के टाइम पे सबसे पहले उनको मिलता है स्वाद संसद में बना हुआ शाम का नाश्ता। आज शाम को बनने वाला है जलेबी, फाफड़ा और उसके साथ मिर्च।
शाम का नाश्ता बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माइक्रोविजन एकेडमी में शाम के समय होती हैं बहुत सारी एक्टिविटीज़। और कुछ बच्चे शाम का नाश्ता करते करते अपने फ्यूचर प्लान्स भी डिस्कस कर लेते हैं। स्वाद संसद में साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है, और इसीलिए शाम का नाश्ता होने के बाद उसकी एक बार फिर से सफाई की जाती है। शाम का नाश्ता होने के बाद बारी आती है माइक्रोविजन एकेडमी के सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट की, जो है सेल्फ स्टडी टाइम। मेरा नाम अर्षित पटेल है, मैं नरसिंहपुर का रहने वाला हूँ। मैं फ्यूचर में डर्मेटोलॉजिस्ट बनना चाहता हूँ। यहाँ की सेल्फ स्टडी बहुत ही अच्छी, मतलब शाम को जो एनवायरनमेंट मिलता है हम लोग को पढ़ने के लिए और टीचर्स मिलते हैं डाउट सॉल्विंग के लिए, बहुत ही मतलब वो बहुत हेल्प करता है हमारी सेल्फ स्टडी में। सेल्फ स्टडी टाइम फॉर अ स्टूडेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 4 PM टू 11 PM। सो इन दैट ड्यूरेशन द स्टूडेंट इज स्टडिंग ओनली फॉर हिज गोल एंड फॉर हिज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। इफ द स्टूडेंट इज इन क्लास 11th और इन क्लास 12th, ही मे बी इवन गेटिंग मोर टाइम देन अ डे बोर्डर स्टडी एंड इवन द लेस डिस्ट्रैक्शन व्हेन ही मे बी एट होम। सो माइक्रोविजन एकेडमी provides self-study time of more than 7 hours so that the student may be able to score very good marks, and even I can say he has an edge over the day boarders. When the student is in the hostel and doing his self-study, we in the Macrovision Academy have provided one Guruji. Now Guruji is a special concept. Guruji is being assigned in each and every classroom, where the classroom consists of only 20 to 25 students. So that Guruji's work is to check whether the student is properly attempting the questions or not, properly solving the DPPs or not, and doing his self-study sincerely. We even have given the CCTV live link to the parents at their home. That means the parents, when they are sitting at their home, if they want to see their kid, they can even see their kid studying. It means the student is being observed by 2 persons. And that are very close to them. One is Guruji, other one is their parent. NACL Restaurant Macrovision Academy ka ek bahut hi important hissa hai. Bacche har hafte kam se kam ek bar yahan par zarur visit karte hain aur apne favorite food ko enjoy karte hain. Bahut badhiya hai, staffs bahut badhiya hai, khana to bahut badhiya hai. Matlab pehle jab hum log aaye the tab NACL tha nahi, Shopee ka system tha, to usse jo improvement hua hai, NACL मिल गया हम लोग को, तो हम लोग तो बहुत खुश रहते हैं। रेगुलर एक हफ्ते मिस हो गया तो दूसरे हफ्ते जाना ही जाना है, ये है। और अब समय आ गया है स्वाद संसद में डिनर बनाने का।
आज रात के डिनर में बनने वाला है खिचड़ी और ड्राई वेज। स्वाद संसद की एक खास बात यह भी है कि डिनर के टाइम पे मेस वर्कर्स के साथ में बच्चे भी खाना सर्व करते हैं। उनमें सेवा की भावना है, उसमें समाज में कुछ अच्छा कर गुजरने का मादा बच्चों में बढ़े, उसके लिए हम उनको सर्व करना भी सिखाते हैं कि बेटा ये जो काम है ये भी उतनी ही शिद्दत से ईमानदारी से किए जाने वाला काम है जो आपको जिंदगी में विनम्रता सिखाएगा, डिसिप्लिन सिखाएगा। अभी जैसे बारिश का सीजन चल रहा है तो मक्खी मच्छरों की हर जगह बीमारी होती है, तो हम लोग के यहाँ पे हमने व्हाइट लाइट्स कहीं नहीं लगाए, सब जगह ग्रीन लाइट्स हैं जो इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करते हैं। आनंद ऑडिटोरियम इज द बेस्ट थिंग अबाउट द कैंपस ऑफ द एमवीए। Being in it in any function or watching any movie is just a marvelous experience. बहुत बढ़िया एक ऑडिटोरियम है स्कूल में, मतलब मैंने किसी स्कूल पे नहीं देखा है ऐसा ऑडिटोरियम तो लिटरली, और वहाँ की मूवी का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है। एनुअल फंक्शन भी जो हुआ था उसको हमने अटेंड किया था, मज़ा आ गया। मेंस था उस टाइम पे, लेकिन उस ऑडिटोरियम में पहली विजिट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा, तो हमारी पूरी क्लास ने एनुअल फंक्शन देखा, और बल्कि ऐसे कहीं जाते नहीं है लेकिन उस दिन सब साथ थे। माइक्रोविजन एकेडमी में नीट और आईआईटी की एग्ज़ाम के पहले और एग्ज़ाम के बाद पूरी तरह से बच्चों को गाइड किया जाता है। एडवांस की बहुत बढ़िया चल रही है, मतलब और इम्प्रूवमेंट हो जाएगा अभी टाइम पे। इकट्ठा एक बहुत ट्रांजिशन हो जाता है मेंस से एडवांस पे, तो उसके पीछे लगे हुए हैं। स्कोर ठीक ठाक है, मतलब उतना बढ़िया नहीं है लेकिन इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। स्ट्रेसफुल वो तो डिपेंड करता है आप कैसे सिचुएशंस को ले रहे हो, मतलब इफ़ यू आर मोटिवेटेड, मतलब आपको कुछ करना ही है, ऐसा है नहीं कि अब ये नहीं है तो ख़त्म हो जाएगा सब कुछ, लेकिन करना है तो थोड़ा स्ट्रेस तो रहेगा, वर्कलोड तो रहेगा ज़रा सा, उसको हैंडल करना सीखना पड़ेगा। मेन्स वन वाला थोड़ा बिगड़ गया था, फर्स्ट पेपर था, थोड़ा घबरा गया था पेपर के बीच में, तो पहले वाला थोड़ा कम था, 98.44 थे। सेकेंड में प्रिपेयर करने का टाइम मिला, बीच में बोर्ड्स भी थे, थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ फेस, लेकिन फिर 24 दिन का समय था, लास्ट शिफ्ट थी, तो बहुत अच्छे से गया सेकेंड वाला, तो 99.26 बने, बहुत बढ़िया था। सेकेंड वाला ज़्यादा बढ़िया गया तो वो ठीक था।
मतलब ये तो सबको पता है कि IIT सबसे प्रिविलेज्ड कॉलेज है, तो अगर इंजीनियरिंग करनी है तो बेटर है ना कि IIT से करें रादर देन कहीं और से करें। तो आप लोग कभी भी पूरे पेपर से आपको एक बार गो थ्रू ना 50% का मिनिमम क्राइटेरिया अगर आप बना लो अभी बच्चे तो सबके सब टॉप IIT से पहुंच जाओ। तो तय सपने देख लो, जो बच्चे 98.5 के आसपास परसेंटाइल से ऊपर है जनरल कैटेगरी के हिसाब से बात करो, बाकी भी अपने अपनी कैटेगरीज को ध्यान में रख के कर सकते। फ्यूचर तो आपका बहुत प्यार है, ये तो आप अभी से ही लिख लो, आप लोगों ने अच्छी खासी मेहनत की हुई, बट वो फ्यूचर को आप कितना और अच्छा बना सकते हो ये अभी और आपकी की मेहनत करने का आता है कि आपकी OMR में बी दिख रहा है लेकिन NTA वहाँ लिख रहा है कि डी, तो आप उसको चैलेंज करोगे कि मेरा इसका आंसर बी है, NTA करना है, आपने जितने नंबर कैलकुलेट किए हैं उतने नंबर आपके वहाँ शो कर रहा है या नहीं, नंबर उस दिन शो नहीं करेगा, रिस्पॉन्सेज कैलकुलेट कर लेना कि आपने फिजिक्स में 45 लगाया है इसमें। यस सर, हमारे लिए उतने ही गर्व की बात है कि हमारा बच्चा इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज में जा रहा है या फॉरेन की बेस्ट यूनिवर्सिटीज में जा रहा है, और अब मैक्रोविजन एकेडमी जिस रुख में चल रहा है तो हम बच्चों को सबसे अच्छी जगह भेजना चाहते हैं, वो जो चाहेंगे उनका जो लाइफ में ड्रीम है हम उनको वो परस्यू करने के लिए मोटिवेट करते हैं। हमारे बच्चे NDA में भी जा रहे हैं, हमारे बच्चे CLAT भी दे रहे हैं, हमारे बच्चे बाकी IIT JEE तो दे ही रहे हैं, हमारे बच्चे NEET भी दे रहे हैं, तो बाहर भी हमारा जो बच्चा जा रहा है हम उसके लिए उतने ही खुश हैं और हमारा उसको उतना ही सपोर्ट होता है जितना बाकी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होता है। Juice Club is like the best facility that we have in Macrovision Academy for our recreation activities. It just gives a break from our daily routine life. मतलब कोटा में सारी कुछ भी नहीं था, मतलब ना स्पोर्ट्स था ना सोशल लाइफ थी, मतलब बस एक रैट रेस था जिसमें बस मतलब बस पढ़ाई करनी है, क्यों करनी है कैसे करनी है कुछ नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम था उसे IIT क्यों करनी है, किन लोगों को तो IIT का फुल फॉर्म भी नहीं मालूम था, बस IIT करनी है। स्कूल पे है, इंडोर स्टेडियम इतना बड़ा और क्या चाहिए, हर चीज़ में एकेडमिक्स पे इतना अच्छा, स्पोर्ट्स पे भी इतना अच्छा, एंटरटेनमेंट में इतना अच्छा, क्या ही दिक्कत है। डिनर के बाद हम लोग 1800 बच्चों को दूध प्रोवाइड करते हैं जो कि 200 ml पर स्टूडेंट होता है। शाश्वत पटेल सर 1329 पीसी 229 कांग्रेचुलेशन सर। सर केमिस्ट्री में कितने उसके केमिस्ट्री एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने के बाद भी
मैक्रोविजन एकेडमी के टीचर्स अपने बच्चों को पूरी तरह से गाइड करते हैं ताकि उन्हें सही कॉलेज और सही ब्रांच मिल सके। हाँ शाश्वत, फाइनल फाइनल में आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर, आईआईटी दिल्ली कंप्यूटर, आईआईटी मद्रास कंप्यूटर, खड़गपुर कंप्यूटर, कानपुर कंप्यूटर, दिल्ली एमएनसी, बॉम्बे इलेक्ट्रिकल, हैदराबाद कंप्यूटर, दिल्ली इलेक्ट्रिकल। हाँ आदिश, गुड इवनिंग बेटा, करें पहले आपने लिखा है दिल्ली कंप्यूटर्स गुवाहाटी, ठीक है, BHU। ये सबके कंप्यूटर्स, सबके इलेक्ट्रिकल, जो कोर कोर वाला है, खड़गपुर इलेक्ट्रिकल भरना चाहिए। उसके बाद जोधपुर में कंप्यूटर, और अभी मुझे ऐसा मतलब मैंने भी न्यूज़ में पढ़ा कि ये सबसे बड़ा ना डेटा सेंटर क्रिएट कर रहा है IIT जोधपुर। रोपर में भी मेरे को नहीं अच्छा लग रहा है। एरोस्पेस में जाना है क्या भाई? हटा दो, कॉलेज के हिसाब से सॉर्टिंग मारूं। बॉम्बे में क्या क्या जा रहा है? बॉम्बे में देखो, माई जर्नी इन MBA वॉज प्रिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विथ लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स, बट इट आई हैव फाइनली क्रिएटेड अ लॉट ऑफ मेमोरीज दैट आई वुड लाइक टू चेरिश फॉर एवर। आई विल ऑब्वियसली मिस माई फ्रेंड्स एंड द टीचर्स ऑल्सो। So I have got admission in India's premier institute, but I will never forget Macrovision Academy. I feel like a part of my soul is still alive in Macrovision. Maybe in classroom studying, maybe in juice club playing badminton, maybe in auditorium watching a movie, or maybe playing Holi, maybe in mess eating my favorite food. I am out of Macrovision. But Macrovision will never be out of me.